अब लग रही है परफेक्ट। बहुत प्यारी लग रही है। तू जल्दी कंगन पहन ले दिया, लेट हो रहा है। क्या कर रहे हो, कब से सब वेट कर रहे हैं। पीयू गॉड, प्यू कितनी सुंदर लग रही है। नहीं दी, इतनी भी सुंदर नहीं लग रही। अरे दी, तू हमारी आंखों से देख, बहुत प्यारे लग रही है। कोई भी गिर जाए तुझे देख के, सच में कयामत लग रही है तू। देख, अब दो लोग तो झूठ नहीं बोल सकते ना। बहुत 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 ज्यादा सुंदर लग रही है। थैंक यू। जी हाँ, जा बैठ। हाँ देख, अब जो करूंगी ना वो अच्छा तो नहीं लगेगा। कहोगे कि क्या पुराने जमाने की हरकत है, पर जो बचपन से देखा है वही करूंगी ना। किसी की नजर न लगे मेरी प्यू को, बस एक को छोड़ के उसकी तो नजर ठहर जाए दीप पे। पता है तू 7 साल छोटी है ना मुझसे, जब पैदा हुई थी ना इतनी सी थी और मैंने तुझे फर्स्ट टाइम अपनी गोद में लिया था, तभी सोच लिया था कि यही है जिससे मैं जिंदगी भर प्यार करूंगी, सबसे ज्यादा प्यार, इसका सबसे ज्यादा ख्याल रखूंगी। कितनी भी दूर चली जा पर फिर भी मैं तेरा ख्याल रखूंगी, तेरी बहन कभी तुझसे दूर नहीं जाएगी। पर तू ना स्टूपिड है। आई विश कि तू मान लेती कि वो आशुतोष तेरे लिए बेस्ट नहीं है। दी अभी भी? हाँ अभी भी, पर मुझे पता है तू समझने नहीं वाली, इसलिए मैं समझ गई। तुझे लगता है ना वो तेरे लिए परफेक्ट मैच है, तो मैंने भी मान ली, उसे एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू दी। तुझे पता है ना मैं ऐसे ही कह रही हूँ, उस खटारा स्कूटी वाले को मैं तेरे लिए कभी बेस्ट नहीं मान सकती। अच्छा नहीं, तू खुश है ना, तो मैं सब कुछ झेल लूंगी। अच्छा रेडी हो गए हो ना तुम लोग, चलो लेट मत करो, जल्दी चलो। दी तू जा, मैं आती हूँ। अब क्या बचा है, थोड़ा बहुत काम है, मैं आती हूँ 5 मिनट। अच्छा ठीक है, फटाफट आना, ठीक है, सब वेट कर रहे हैं। जल्दी आ, ठीक है, जल्दी आ। क्या हुआ, रेडी तो हो गई ना तू, तो फिर गई क्यों नहीं। अच्छा अब मैं समझी, तेरा खिड़की से भागने का इरादा है ना। सही है, एक काम करते हैं, हम साड़ियों की रस्सी बना के लटकाते और भाग जाते हैं, बड़ा मजा आएगा। कितना फिल्मी ना दी, थोड़ा थ्रिल, थोड़ा सस्पेंस विद रोमांस, वाओ दी, हाय बाय। तू लड़की भूल गई, रिंग नहीं निकली फिंगर से, अब इस रिंग के साथ बाहर कैसे जाऊं दिया। आज सगाई है तुम्हारी बेटी की, तुम यहाँ होते तो कितने खुश होते हैं ना। तुम जहाँ कहीं भी हो बहुत सारा प्यार भेजना अपनी पूर्वी के लिए। भेजोगे ना, पकड़ू। एंगेजमेंट कल है, मुझे साइज चेक करना था इसलिए पहनकर देखी, क्योंकि कल तो फिर वापस पहनने है ना। उसकी सगाई है, अगर वो मुझे बुला लेती तो मैं चला जाता, मुझे अपने आप को खुद से इनवाइट कर लेना चाहिए था, पर कोई नहीं, मेरा आशीर्वाद उसके साथ रहेगा। प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, पीछे एम्बुलेंस में 2 लोग इंजर्ड हैं चले हुए और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं और हमारी एम्बुलेंस खराब हो गई, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, प्लीज मना मत करना। क्या लगते हैं तुम्हारे? वो लोग रिलेटिव्स नहीं है मेरे, मुझे पंडाल के बाहर मिले और मैं उन्हें ले आई, बहुत ज्यादा हर्ट थे। जो लड़की सबका इतना ख्याल रखती है, सबके लिए इतना करती है,
उसको अपना ख्याल रखने वाला एक अच्छा लड़का मिलना चाहिए जो सबके दुख दूर कर दे। उसको जीवन में कोई दुख नहीं मिलना चाहिए। बहुत प्यारी बच्ची है, उसको कोई बहुत प्यार करने वाला इंसान मिलना चाहिए। भेजा ना तुमने बहुत सारा प्यार अपनी बेटी को। तुम यहाँ होते ना तो सब कुछ अपनी आंखों से देखते, खुद करते सब कुछ भाग भाग के। मुझे पता है खुशी की मारे पागल ही हो जाते। तुम होते तो हमारे बच्चे कितने खुश होते। तुम खुश होते, मैं खुश होती, सब खुश होते। हमारा परिवार पूरा होता, खुश होता, पूरा होता। क्यों नहीं हो बकलू, क्यों नहीं हो? एक बारी गले लग जाने दे यारा मुझे, मर मंगता मैं तेरी। प्राची कहाँ है पुत्र? यहीं गई होगी। यहीं के उसे तो यहाँ होना चाहिए था। अंदर क्या कर रही है? मैं बुला के लेकर आता। अरे आप रुको, मैं जाके जल्दी जल्दी जा, उसे साथ ही लेकर आना। हाँ जी हाँ जी। कहाँ चली गई? अरे बीजी, मामा को देखा? नहीं मैंने नहीं देखा। यहीं पे तो व्हाट? क्या चश्मा पहनाना फिर भी क्यों गिरे? मतलब टीचर, तुम मतलब मैं समझाओ। अरे तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं? नमस्ते नमस्ते, आइए ना। आई आई, बड़ी बदतमीज है ये लड़की। ये संस्कार दिए हैं आपने से? अरे मेरा भतीजा गिर गया क्योंकि आप लोगों ने इंतजाम ही ऐसे किए हुए। ऐसी बेढंगी सी दरिया बिछाई हुई है, ये दरी में उसका पैर अटक गया इसलिए वो गिर गया। और ये मजाक उड़ा रही है कि चश्मा होते हुए भी गिर कैसे गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बुरा क्यों मान रही है? खुशी तो मजाक कर रही थी, इसकी आदत है मजाक करने की। सब जानते हैं, इनफैक्ट आशुतोष भी जानता है ना कि मजाक कर रही है। आप अंदर आइए। हाँ हाँ, खुशी बस मजाक ही कर रही थी। और की और लड़की की साली मजाक नहीं करेगी तो और कौन करेगा? हम और आप। यहाँ खड़े खड़े सारी बातें करेंगे आप? आइए ना अंदर आइए। आइए, आपका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। आइए ना। आइए 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 आइए। कम कम आशुतोष, चल खुशी आज आओ। आशुतोष आओ, कम प्लीज। बड़े जो भी कहते, पर तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ? क्या? मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। आई डोंट लाइक यू एट ऑल। शुक्र है भगवान का जो मेरी सगाई पूर्वी से हो रही, समझी तुम? क्योंकि मैं तुमको ना जिंदगी भर झेल नहीं पाऊंगा। और तुम में भी ऐसा कुछ खास है नहीं जो तुम मुझे अच्छी लगो। इवन आई डोंट लाइक यू। तुम्हें अच्छा लगाना किसे? मेरी पीवी बेवकूफ है जो इसके चक्कर में पड़ गई। कैसे चलेगी इस चोकर को पूरी जिंदगी? फिर से जीत गए। इतने पैसे आप जीत गए हो, अकेले अकेले पी रहे हो, कुछ हमारा भी तो गला गीला करवाओ, है कि नहीं भाई? कुछ देसी विदेशी कुछ भी चलेगी। ओके भाजी। वाह यार पाजी, अरे पर मजे आ जाते हैं यार। चलाओ भाई पत्ते चलाओ। ओए लाओ 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 यार। ओए दारू भाई, आपके लिए खबर है। बुरी हुई तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। असल में पूर्वी है ना। भाभी, पूर्वी भाभी। हाँ जी भाई, आज रात वो मेरी भाभी की ऐसा भाभी की क्या हो रही है? सगाई मत बोलना। सगाई मत बोलना भाई, मैं यही कहने वाला था। नहीं 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 भाई, आप सही कह रहे हैं, मैं यही कहने वाला था। मैंने यही बात सुनी थी सिग्नल पे। नहीं
पूर्वी से मैं प्यार करता हूँ, मेरी पूर्वी से मैं प्यार करता हूँ तो मेरी सगाई होगी, सगाई मेरी होगी, मैं प्यार करता हूँ। भाई मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आप ज्यादा ना पियो, नहीं तो आपकी कन्या किसी और की हो जाएगी। अभी सगाई हो रही है तो बाद में शादी भी हो जाएगी भाई। पूर्वी के माथे पर ना सिर्फ एक ही नाम है, वो जस्से। जस्से और कोई नहीं, पूर्वी मेरी है। सगाई तो ठोकरी रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, सगाई होगी जस्सी से, समझे तुम लोग? पूर्वी की सगाई जस्सी से होगी। चलो चलो। रिया देखना कुछ मिला क्या? नहीं दी, कुछ नहीं। तेरे 5 मिनट पूरे हुए कि नहीं, सब लोग वेट कर रहे, चल जल्दी चल, हो गया तेरा? जी रुकना, सॉरी मैंने तुझे एक बात नहीं बताई है, उन्हें एक प्रॉब्लम हो गया तो उसे सॉल्व करने के लिए वीडियो ढूंढ रही हूँ बस। कैसी वीडियो? ये कि अगर फिंगर में रिंग फंस जाए तो उसे कैसे निकालते हैं। इसमें वीडियो क्या देखनी और इतना क्या स्ट्रेस हो रही है, दे मैं निकालती हूँ। प्यू ये क्या इतनी टाइट? प्यू इतनी टाइट अंगूठी लेनी नहीं चाहिए थी, अब ले लिए कोई बात नहीं, पर उसे निकालने के लिए इतना खुद को हर्ट करना है क्या? क्या हुआ है? दिखाई नहीं दे रहा है तुझे? ये देख कैसी उंगली, उंगली की हालत तो देख, कब से ऐसे निकालने की कोशिश कर रही थी ये। प्यू क्या है ये, थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए ना, ऐसे खुद को कोई हर्ट करता है? देख कितना प्यार करती है तू मुझसे। मारूंगी एक तुझे, प्यार नहीं गुस्सा कर रही हूँ। तेरी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, छोटी बहन है तू मेरी, मैं तुझे कभी हर्ट नहीं देख सकती। पहले बोलती ना प्रॉब्लम है, सॉल्व करते ना। बैठ बैठ मैं कुछ करती हूँ। हेलो मनसुख भाई, अभी के अभी मैं आपको एक एड्रेस भेज रही हूँ, प्लीज अपने कारीगर को भेज दीजिए। नहीं कुछ खरीदना नहीं है, वो एक उंगली में अंगूठी फंस गई है और बहुत सूज गई उंगली, अर्जेंट है, प्लीज भेज देना। और हाँ उसे अच्छे से कह देना कि उंगली में से रिंग निकालनी है, काटनी नहीं है, और पीछे की साइड से आए। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस मैसेज करके भेजती हूँ। हाँ ठीक है, वो कारीगर भेज रहा है अपना, तो टेंशन मत ले, ये हमारे ओल्ड ज्वेलर है, एक्चुअली हमेशा ज्वेलरी उनसे ही बनाते ना इतनी सारी, इसलिए वो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते, इनफैक्ट ऑब्लाइज्ड ही फील करते, तो टेंशन मत ले। क्या ये प्यू? ऑइंटमेंट है? हाँ तो देना। लोकेशन भेज देना बेटा। अरे मैं क्या कह रही थी, पंडित जी को पैसे ये लोग देंगे हमें देने? कैसी बात कर रही हो बीना, अरे पंडित यहाँ आ रहा है तो पैसे भी यही देंगे ना। हाँ फिर भी एक बार मैं पूछ लेती हूँ। अरे सुनो, हमें घर पे पूछने का टाइम ही नहीं मिला, क्या हुआ था इसकी स्कूटी का? मैकेनिक तो बड़े पैसे ले गया भाई। एक्सीडेंट हुआ था दीदी, बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था, वो तो शुक्र मनाओ कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ, और गाड़ी की मरम्मत में तो बहुत ही पैसे लग गए। दीदी गनीमत मनाओ कि मेरे आशु ने पूर्वी को कुछ होने नहीं दिया, फूलों की तरह सहज लिया उसे, वरना एक्सीडेंट तो बहुत बड़ा हुआ था, बहुत बड़ा। चाय चाय लीजिए। आप क्यों लेकर आई चाय? वेटर ले आता ना, आपको लाने की क्या जरूरत है? क्या बोल रहे हैं, हम सब अब एक परिवार हैं और अपनों के लिए तो हम खुद सर्व करेंगे ना, और जहाँ तक मान की बात है हमें अच्छा बहुत लगेगा, लो ना चाय। अब मैं अभी आई, वो आजी सुनिए ना, वो पंडित जी प्राची, जी प्राची बुरा मत मानना, लेकिन पंडित जी से कहकर ना पूर्वी की पूजा करवा दो। पूर्वी के लिए कैसी पूजा? अरे वो तो पंडित जी बताएंगे ना कि उसकी ग्रह दोष के लिए कौन सी पूजा करनी है। ग्रह दोष? नहीं नहीं ऐसा कुछ है नहीं उसके। मेरा कहने का मतलब है, देखो बात का तो पता नहीं, लेकिन अभी तो पूर्वी की किस्मत बिल्कुल सही नहीं चल रही, उसके भाग्य साथ नहीं दे रहे, समझो बात को। रुक मैं अभी आई, रुक। प्राची कुछ पूछ रही थी तू? जी मैं कह रही थी कि वो बुआ जी, मैं क्या कह रही थी, पंडित जी जब आएंगे वो सगाई से पहले क्यों नहीं हम पूर्वी के लिए एक छोटा सा पूजा करवा दे। पूजा के? हाँ वो क्या है, मुझे ऐसा लगता है ना कि पूर्वी की किस्मत कुछ दिनों से साथ नहीं दे रही, उसका भाग्य ना सही नहीं चल रहा, जिसकी वजह से मेरे बेटे आशु पे भी बहुत असर आ रहा है, वो क्या कहते हैं अपशगुनी, अपशगुनी वो ही है वो अब तक मेरे बेटे के लिए। प्लीज एक मिनट, क्या कहा आपने, अपशगुनी यानी कि खराब भाग्य? क्या हमारी पूर्वी का हमेशा बोल रही ना, तुम कैसी बातें कर रहे हो हमारी पूरी के बारे में, मतलब अब तो सगाई होने वाली और। माफ करना, आप लोगों को ये सब बोलने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए ना। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है,
बिल्कुल सही कह रही है बीना, पता नहीं आप ही लोग बात को क्यों बढ़ा रहे हो। सच तो यही है कि पूर्वी अब शगुनी है। दीप तू क्यों ऐसे घूम रही, तू तो बैठ जा। ये लो। इतने स्ट्रेस में कौन खाता है? दी स्ट्रेस हीटिंग ले, तू भी खा। थैंक यू। ओके। खुशी दी, इसने बताया था कि उसने भी इसकी रिंग निकालने की कोशिश की थी। उसने किसने? आरवी ने। उसने भी रिंग निकालने की कोशिश की लेकिन निकाल नहीं पाया। What? फिर कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच, तेरे और आरवी के बीच? देख कुछ है तो मुझे बता दे, सच सच बता दे, मैं हेल्प करूंगी। अरे हेल्प क्या, पूरी सेट कर दूंगी तेरा, प्लीज बता दे। दी ऐसा कुछ नहीं, पागल है कुछ भी बोलती, मैं तो जानती तक नहीं उस बंदे को। तो तू नहीं जानती उसे? बिल्कुल। और भी अजीब बात, मतलब तू जानती नहीं है उसे, फिर भी रोज मिलता है, और मिलता ही नहीं, सिर्फ बड़े बड़े कांड करता है। पहले गलती से तेरे हाथ में रिंग पहना देता है, और उसके बाद में तेरे कहने पर रिंग निकालने की कोशिश भी करता है। Not bad. नहीं नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं, तू गलत समझ रही है। ना 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 स्वीटहार्ट, तू हमें गलत समझा रही। तू कह तो रही है कि तुझे आशुतोष अच्छा लगता है, तुझे उसके साथ शादी करनी है, पूरी अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, पर तेरा दिल ना आरवी पे आ गया। यस व्हाट? यस व्हाट? यस खुशी दी, तेरे और आरवी का फिल्मी सीन चल रहा है ना। चुप कर। क्या चुप कर? तू और आरवी कुछ फिल्मी टाइप्स करने वाले हो, मतलब वो यहाँ पे आएगा और तेरी सगाई रोक देगा ताकि तेरे से शादी कर सके। यस। माँ कसम दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें माँ कसम खाने की क्या जरूरत है? मस्ती कर रही हूँ मैं, तेरी ठांग खींच रही हूँ। चल। यस। तू ना मार खाएगी थी। अब उस पे क्यों गुस्सा कर रही है तू? आई नो, मैं मासूम अबला अबला बला। या खुशी दी, ऐसा हो सकता है ना कि ये ना समझ रही हो लेकिन ये आरवी की बनने वाली हो। क्या? इप, कौन आ गया? हेलो, आप कहाँ पहुंचे? अच्छा आ गए, इधर आ गए। हाँ एक मिनट, सीधा आओ। अच्छा सुनील जी। जी मैं ही हूँ। आइए आइए आइए, चलिए जल्दी। ये इनको दिखा दे, निकाल देंगे। देखो ना रिंग निकाल दो। ये देखिए आप, ये रिंग है, ये निकल जाएगी ना। हाँ हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ। हाँ। कुछ नहीं, बस एकदम आराम से पहले तेल लगाएंगे, थोड़ा मसाज करेंगे और धागा लगा के इसको आराम से खींच लेंगे बाहर। वाह बोला तो बहुत अच्छा, अब कर भी दे तो और भी अच्छा है ना। हाँ हाँ, एक मिनट का भी काम नहीं है। एक मिनट, हाँ ठीक है आप करिए चलिए। थोड़ा धीरे आराम से करिए ना। सुनील जी प्लीज, आराम से, उसे दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है मैं करता हूँ आराम से ही। आराम से। अच्छा बस 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 सुनील जी आप हटिए, मैं करती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा सोचा, बहुत दर्द हो रहा है ना। हाँ। आराम से करती रहो। तुझे पता है एक बार फिफ्थ स्टैंडर्ड में तू गिर गई थी स्लाइड से? क्या दी तू गिर गई थी? चुप कर। हाँ गिर गई थी, लेकिन तेरी वजह से गिरी थी मैं। मेरी वजह से कैसे गिरी थी? ये उल्टा चल रही थी स्लाइड पे ऊपर। हाँ क्योंकि तू चढ़ रही थी, जैसे तू चढ़ी मैं भी वैसे ही चढ़ी। और कॉपीकैट, कॉपीकैट। अच्छा थैंक यू, आप अभी जाइए, मैं पैसे भिजवा देती हूँ। नहीं पैसे मत भिजवाइएगा, वो सेठ जी ने मना किया है पैसों के लिए। ओह पर थैंक्स बोलिएगा उन्हें। हाँ जी जरूर, थैंक यू। हाँ। पकड़। मेरी तो जान में जाना है। मेरी भी। तू है बीच में। अच्छा जी तुझे तो ना बाद में। तू 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 मैं बाद में करना, अब बाहर सब वेट कर रहे, नहीं तो सबको लगेगा तो सच में बाकी। चलो चलो। हाँ ठीक है, एक सेकेंड। आप खुद सुन पा रही हैं आप जो बोल रही हैं? आप भी एक माँ है ना, किसी और के बच्चे के लिए ऐसे शब्द? आपने क्या बोला है मेरी बच्ची को, मैं जानना चाहूंगी ऐसा क्यों बोल रही हैं? अब देखो प्राची, हम बूढ़ी दादी नानी वाली बातें तो करेंगे नहीं, हम वही बोल रहे हैं जो सामने है। क्या है सामने बताइए, सामने क्या है? देखो हम बोलेंगे तो तुम बुरा मान जाओगी, इसीलिए हम चुप हैं। पर अगर अब तुम बोल रही हो तो सुनो, हम तुम्हें कुछ नहीं बोल रहे, पर हाँ तुम्हारी बेटी को देख के लगता है जैसे क्या वो... लगता है? मेरी बेटी को देख के क्या लगता है बताइए? यही कि आप छोड़िए ना, ये सब बातें बाद में कर लीजिएगा, अभी तुम चुप रहो। हम बात कर रहे हैं ना, अब वो पूछ रही है तो हम बताएंगे।
देखो प्राची जी, हम इससे पहले ये बात नहीं करना चाह रहे थे, पर अब आप पूछ ही रही हैं तो सुनिए। आपकी बेटी पूर्वी जब हमारे आशु के साथ थी ना, तभी उसका एक्सीडेंट हुआ, जबकि उससे पहले कभी भी हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। अरे उसका एक्सीडेंट तो छोड़ो, कभी उसकी स्कूटी तक को खरोच नहीं आई है। पर अब जब पूर्वी उसके साथ थी तो पूरी स्कूटी टूट के चकनाचूर हो गई। और आपको पता भी है इस सब में कितना खर्चा आया है, पूरे 25,000। कहां आज तक एक छोटी सी खरोच तक नहीं आई, और अब पूरे 25,000 चले गए। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी उसके साथ थी, इसलिए ये सब हुआ है। ये क्या बात हुई? पूर्वी साथ में थी तो इसका मतलब एक्सीडेंट हो गया। आप सुन भी रहे? हाथ रख दिया था पूर्वी ने आशु के कंधे पर। हाँ, जब आशु गाड़ी चला रहा था तो पूर्वी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसके बाद क्या हुआ? के बाद गाड़ी बंद हो गई, अटक गई, गाड़ी चल नहीं रही थी। और हम सबको पता है कि ऐसा आशु कब होता। जैसे ही पूर्वी ने आशु के कंधे पर हाथ रखा और अपनी मनमुस्तियत देख दी उसने मेरे बेटे की किस्मत। क्या कह रही है आप? ये कंधे पे हाथ रखा और आप इस एंगल से सोच रही है ना? दूसरा एंगल मैं बताती हूँ आपको। ऐसा क्यों नहीं सोचती आप? पूर्वी ने आशु के कंधे पे हाथ रखा और अनहोनी होने से बच गई। जो भी होना था ना, स्कूटी को हो गया ना, आशुतोष को खरोच आई ना, पूर्वी को, दोनों बच गए। खास करके आपका बेटा, ऐसे नहीं सोच सकती आप? बिल्कुल सही कहा इसने। बात अपनी अपनी सोच और भावना की है, आप इसमें गलत है क्यों सोच रहे हैं? देखिए मनप्रीत जी, मुझे इस मामले में कोई बात ही नहीं करनी। आप लोग खामा खाना राय का पहाड़ बना रहे हैं, और आप लोग खुद अपनी भावना और अपनी सोच के बारे में भी सोचिए जरा। पर हमने ऐसा क्या कहा है? अरे तो हमने ऐसा क्या कह दिया, बस एक छोटी सी पूजा करवाने के लिए तो कह रहे थे। और किसके लिए? बच्चों के लिए, ताकि जो हमारे मन में वहम है वो खत्म हो जाए। लेकिन आप लोग अपने खामा का बात का पतंगड़ बनाए जा रहे हैं। देखो वीरा, तुम्हें जितनी पूजाएं करवानी है ना, हम करने के लिए रेडी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी बच्ची को मनहूस या अपशगुनी कहो। ये बहुत गलत है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो अपना मुंह ही बंद कर लेते हैं, पर आप लोग इतना समझ लीजिए कि हम हमारे बच्चे के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। और रही बात पूर्वी की ना, तो आप मत करवाइए उसकी पूजा, लेकिन हम अपने आशु के लिए पूजा करवाएंगे, और वो भी सगाई से पहले। बिना तुम दूसरे पंडित जी का इंतजाम करो, अब जो भी होगा पूजा के बाद ही होगा।